एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द सेशंस ऑन स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दोस्तों, सीए फाइनल की इस एसएफएम क्लास में हम डेरिवेटिव टॉपिक का कंटिन्यूएशन कर रहे हैं और ये डेरिवेटिव का 10th लेक्चर है। आज जो हमने टॉपिक पिक किया है दैट इज इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स। सबसे पहले हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो आपको जानने मिलेगा दैट इज फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट। तो दोस्तों, एक सिंपल सी बात है, आई अप्रोच अ बैंक, मैं बैंक के पास जाता हूं और बैंक से कहता हूं भाई मुझे आपसे लोन लेनी है, आई वॉन्ट टू बोरो मनी फ्रॉम यू, आई वॉन्ट टू बोरो मनी नॉट टूडे बट आई वॉन्ट टू बोरो मनी आफ्टर 6 months, मुझे आज से 6 महीने बाद आपसे बोरो करना है बट मैं चाहता हूं कि रेट अभी से फिक्स हो जाए। तो जैसे हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट देखे थे वेयर टू पार्टीज एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू बाय और सेल समथिंग इन फ्यूचर बट एट अ प्राइस विच इज अग्रीड टुडे। इन केस ऑफ फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट इट इज एन अग्रीमेंट ऑफ बोरोइंग और लेंडिंग मनी एट अ फ्यूचर डेट बट एट एन इंटरेस्ट रेट दैट इज अग्रीड टुडे। दोस्तों, फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट मोस्ट सिंपल टाइप ऑफ इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स, बट आपकी एग्जाम में इसका सबसे ज्यादा वेटेज है अमंग ऑल टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स। तो अदर देन फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट्स, जो दूसरे इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स के टाइप आप देखेंगे दोज आर टिपिकली इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स, इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस। जब आप इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस की बात करेंगे तो इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस के कैटेगरीज आएंगे कैप्स, फ्लोर्स एंड कॉलर्स, एंड बाद में आप इंटरेस्ट रेट स्वैप्स और साथ साथ स्वैप्शंस भी सीखेंगे। फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट, हमने ऑलरेडी फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट का मीनिंग समझा है। FRA इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट अलाउज एन एंटिटी टू बोरो और इन्वेस्ट अ सर्टन अमाउंट ऑफ मनी एट अ सर्टन स्पेसिफाइड डेट इन फ्यूचर एट एन इंटरेस्ट रेट दैट इज अग्रीड टूडे। फॉर एग्जाम्पल, X Ltd enters into FRA with IDBI Bank on 1/4/2018. तो agreement हुआ है 1/4/2018 को that it shall borrow from the bank at the rate of 12.5% per annum interest on 1/10/2018. तो दोस्तों, इस example में होगा ये कि X Ltd को borrow करना है 1/10/2018 को और रेट फिक्स कर लिया गया है 1 अप्रैल को ही। सो एज ऑन 1 अक्टूबर 2018 इंटरेस्ट रेट चाहे कुछ भी चल रहा हो, X Ltd विल हैव अ राइट एज वेल एज ऑब्लिगेशन टू बोरो एट 12.5% कॉन्ट्रैक्टेड रेट ओनली। दिस इज द एडवांटेज ऑफ एंटरिंग इनटू FRA, जिसके आपके जो इंटरेस्ट कमिटमेंट्स है वो फ्रीज हो जाते हैं। No matter what will be the interest rate prevailing in the market, you will be having a definite interest rate which is already contracted with the bank at an earlier date. This is what we call as forward rate agreement. तो दोस्तों, इस sequence में अब हमें जिस बात से deal करना है, something very interesting, that is determining FRA. FRA determine कैसे किए जाते हैं, FRA का quote कैसे होता है, let us try to understand. So moving ahead, we go to concept number 35, that is determining forward rates. Chaliye friends, sara ka sara calculation fundamental aur chote chote jo important aspects hain, jo terms hain, inko seekhenge by an example given in question 97. Let us read what is given in question number 97. यहां दिया हुआ है, कंसिडर द फॉलोइंग, 6 month बोरोइंग रेट इज 11.2% पर एनम, 12 month बोरोइंग रेट इज 12.2% पर एनम, वॉट शुड बी 6 month FRA एट 6 month फॉरवर्ड दैट इज 6/12 FRA। दोस्तों, यहां पर क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना बहुत जरूरी है। लेट अस फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन में क्या एग्जैक्टली दिया हुआ है और हमसे पूछा क्या है। आप अभी बोरो करें फॉर 6 months
तो जो एप्लीकेबल इंटरेस्ट दिया हुआ है दैट इज 11.2% पर एनम, और आप 12 मंथ के लिए बोरो करें तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा दिया हुआ है, 12.2% पर एनम दिया हुआ है। दोनों रेट्स हैं पर एनम, बट इफ यू बोरो फॉर 6 मंथ्स इट इज 11.2%, इफ यू बोरो फॉर 12 मंथ्स इट इज 12.2% पर एनम। इसका क्लियर इंडिकेशन यह है कि एक लेटर स्टेज पर इंटरेस्ट रेट बढ़ने के इंडिकेशंस हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ने के इंडिकेशंस हैं तो हम अब क्या करें, हाउ डू वी डिटरमाइन द इंटरेस्ट रेट दैट विल बी अ फॉरवर्ड रेट। तो फ्रेंड्स, अभी से लेकर पूरे 12 मंथ के टाइम होराइजन को हम दो पार्ट में स्प्लिट कर दें। फ्रॉम नाउ इफ आई बोरो फॉर 6 मंथ्स इट विल बी 11.2% पर एनम, एंड ऑब्वियसली ऐसा लग रहा है रेट्स देखकर कि इसके बाद इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है। अब 6 मंथ के बाद अगले 6 मंथ तक इंटरेस्ट रेट क्या होगा वो हमें नहीं मालूम, बट अभी से लेकर पूरे 12 मंथ तक बोरो किया तो वो 12.2% होगा। तो 6/12 FRA का मतलब समझिए, इट इज इंटरेस्ट रेट दैट वुड अप्लाई आफ्टर 6 मंथ्स फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ बोरोइंग। दैट मींस अभी से लेकर 6 महीने बाद आपका बोरोइंग स्टार्ट होगा और अभी से लेकर 12 मंथ के बाद वो बोरोइंग खत्म हो जाएगा। दैट मींस बोरोइंग का पीरियड है बिटवीन 6 and 12 मंथ्स, द ड्यूरेशन ऑफ बोरोइंग विल बी 6 मंथ्स, बट वो बोरोइंग आज रेज नहीं की जाएगी, वो बोरोइंग रेज की जाएगी आफ्टर 6 मंथ्स फ्रॉम नाउ। तो मैं फिर से समझा दूं फ्रेंड्स, अभी से लेकर अगले 6 महीने तक आपको बोरो करना हो तो इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 11.2% पर एनम। अभी से लेकर आपको 12 मंथ्स तक बोरो करना है तो इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 12.2% पर एनम। तो आपको बोरो करना है अभी नहीं और 6 महीने बाद, यू हैव टू बोरो आफ्टर 6 मंथ्स फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। दैट मींस आप अभी रेट फिक्स कर लो, किस बात का रेट, कि 6 महीने बाद आप बोरो करोगे और आप बोरो करोगे फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, तो वो फॉरवर्ड रेट हम डिराइव कर सकते हैं इफ वी हैव दिस मच इंफॉर्मेशन अवेलेबल। वही इंपॉर्टेंट बात सीखने की है दोस्तों। यहां पर एक और बात, जब मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने स्क्रीन पर बताऊंगा, मैं पहले आपको लॉजिकली समझाऊंगा कि ये किस तरह कंप्यूट किया जाता है। दोस्तों, एक बार आपने लॉजिकली इस बात को समझ लिया तो फिर कैसा भी क्वेश्चन आए यू विल बी एबल टू हैंडल इट वेरी वेल। बट बहुत सारे लोग दुनिया में क्या करते हैं कि एक फॉर्मूला बेस्ड मैकेनिज्म को फॉलो कर करके रेट कैलकुलेट करते हैं। इससे रेट तो आपको मिल जाएगा, बट आप क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, किस ग्राउंड पर कैलकुलेट कर रहे हैं, वो आपको कभी भी मालूम नहीं पड़ेगा। तो फॉर्मूला यूज करना प्रोहिबिटेड नहीं है। आई एम नॉट आस्किंग यू नॉट टू यूज द फॉर्मूला, बट उस फॉर्मूला को अप्लाई करने से पहले एटलीस्ट उसके पीछे का जो बैकग्राउंड कैलकुलेशन है आप उसे तो समझ लीजिए। तो चलिए आप स्क्रीन पर ध्यान दीजिए, मैं आपको सॉल्यूशन दिखा दूं। दोस्तों, सॉल्यूशन में सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास ₹1 लाख पड़े हुए हैं एंड दिस 1 लाख वी वॉन्ट टू डिपॉजिट। अब जो हमें क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है दैट इज गिवन एज 11.2% पर एनम एप्लीकेबल फॉर 6 मंथ्स। तो हम हमारे ये ₹1 लाख इन्वेस्ट कर दें फॉर 6 मंथ्स एट 11.2% पर एनम, तो इसकी मैच्योरिटी वैल्यू क्या आएगी, जरा कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख लीजिए। ये आएगा 1 लाख इंटू 11.2% इंटू 6/12, तो इंटरेस्ट का कॉम्पोनेंट आ जाएगा 5600 और इसे प्रिंसिपल में ऐड करने पर जो मैच्योरिटी वैल्यू आती है दैट विल बी ₹1,05,600। ऑन द अदर साइड हम इसी 1 लाख को इन्वेस्ट करते फॉर अ लॉन्गर पीरियड से 12 मंथ्स के लिए, तो इंटरेस्ट रेट भी बदल जा रहा है, ये हो जाएगा 12.2% पर एनम एंड 12 मंथ्स के लिए हमने इन्वेस्ट किया हुआ है, यानी पूरे साल के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है, सो इसका मैच्योरिटी वैल्यू ऑब्वियसली आएगा 1,12,200। अब इन दो बातों को समझ लेने के बाद हमें समझ में यह भी आता है कि आप 1 लाख के बेस से स्टार्ट कर रहे हैं यहां पर और यहां पर भी, ये वाला 1 लाख
आफ्टर सिक्स मंथ्स बन रहा है 1,05,600, ये वाला 1,00,000 आफ्टर 12 मंथ्स बनता है 1,12,200। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू जो 6 महीने के बाद की वैल्यू है, दिस इज अ वैल्यू दैट इज accumulating by end of 6 months, तो logically 6 महीने बाद इतना अमाउंट इन्वेस्ट किया जाए तो वो हो जाना चाहिए 1,12,200। दैट मीन्स वॉट वी आर ट्राइंग टू से, आफ्टर 6 months इफ यू इन्वेस्ट 1,05,600, इट शुड बिकम 1,12,200 आफ्टर 6 months, दैट इज आफ्टर अनदर 6 months। तो ये रेट कौन सा होना चाहिए, इसी रेट को हम FRA रेट कहते हैं। तो दोस्तों ये रेट फाइंड करना बड़ा आसान है। आप सोचिए 6 महीने बाद का वैल्यू आपको मालूम है इट इज 1,05,600, और 12 महीने के बाद वाला वैल्यू आपको मालूम है दिस इज 1,12,200। तो इस बीच में जो वैल्यू इंक्रीज हुआ है दैट इज डेफिनेटली एट सम इंटरेस्ट रेट विच इज एप्लीकेबल फॉर दिस पीरियड ऑफ 6 months। अब ये क्वेश्चन मार्क का आंसर हम निकाल लेते हैं। सो दैट इज 1,12,200 माइनस 1,05,600 डिवाइड बाय 1,05,600। सिंपली P1 माइनस P0 डिवाइडेड बाय P0 वाला अप्रोच यूज किया, ये जो भी रेट ऑफ रिटर्न आएगा दैट इज फॉर 6 months। एनुअलाइज करने के लिए हमने 12/6 का फ्रैक्शन अप्लाई किया हुआ है, और रिजल्ट को परसेंटेज में लाने के लिए हमने 100 मल्टीप्लाई कर रखा है। ये आता है एग्जैक्टली 12.5% पर annum। फ्रेंड्स मैं आपको इसके बारे में डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन भी लिखवा दूंगा, बट पहले आप इन बातों को नोट कर लीजिए। ऑलराइट फ्रेंड्स, ये आपने लिख लिया होगा, लेट मी गिव यू सपोर्टिंग एक्सप्लेनेशन टू दिस होल कैलकुलेशन। जो मैंने आपको अभी समझाया वही लिखा हुआ है, इफ रुपीज 1,00,000 डिपॉजिटेड नाउ एट 11.2% पर annum फॉर 6 months, द रिजल्टिंग मेच्योरिटी वैल्यू विल बी रुपीज 1,05,600। और वो 1,05,600 कैसे आया उसका वर्किंग दिखाया हुआ है। इफ रुपीज 1,00,000 डिपॉजिटेड नाउ एट 12.2% पर annum फॉर 12 months, द रिजल्टिंग मेच्योरिटी वैल्यू विल बी 1,12,200, एंड दैट विल बी अगेन कैलकुलेटेड बाय टेकिंग the interest added to the principal amount. It is implied that after 6 months from now, if 1,05,600 is deposited for 6 months, the resulting maturity value must be rupees 1,12,200. तो फिर हम P1 minus P0 divided by P0 ये approach use करके वो 12.5% determine कर लेंगे। So friends, quickly note down this and then I take you ahead. ऑलराइट फ्रेंड्स, ये आपने लिख लिया होगा। सो एग्जाम में आपको इतना सारा डिस्क्रिप्शन लिखने की जरूरत नहीं, एग्जाम के लिए एक शॉर्टकट यूज किया जा सकता है, इसी कैलकुलेशन को मैकेनिकली किया जा सकता है एक फॉर्मूला के थ्रू। चलिए उसे भी समझ लें। तो ये फॉर्मूला है कुछ इस तरह, FRA रेट इक्वल्स टू R2 × T2 − R1 × T1 डिवाइडेड बाय 1 + R1 × T1 मल्टीप्लाइड बाय T2 − T1। फ्रेंड्स यहां पर R1, R2, T1 और T2 ये 4 वेरिएबल्स यूज किए गए। R1 है पहला वाला रेट, R2 है दूसरा वाला रेट। तो जो पहला रेट है दैट इज एप्लीकेबल फॉर 6 months, दूसरा रेट है दैट इज एप्लीकेबल फॉर 12 months। Time 1 and Time 2 इज T1 और T2। So T1 is typically 6 months and T2 is 12 months. हम यहां पर T1 and T2 6 and 12 नहीं लिखेंगे, हम year के format में लिखेंगे, that is 0.5 year and 1 year. So let us substitute these values और ध्यान से समझें हर एक value को। R2 12.2% था तो हमने 0.122 लिखा, into T2 1 year था, 1 year। R1 11.2% मतलब 0.112, एंड T1 था हाफ ईयर दैट इज 0.5। डिनोमिनेटर में 1 + R1 × T1 तो 1 + 0.112 × 0.5 मल्टीप्लाइड बाय T2 − T1 दैट इज 1 − 0.5। जब आप इसे सॉल्व करेंगे
तो जो आपको मिलता है ये वाला टर्म जो है दैट विल बी 0.122, ये वाला टर्म 0.056, ये डिनोमिनेटर में 1 प्लस 0.056 हो जाएगा 1.056 एंड देन इनटू 1 माइनस 0.5 इज 0.5. तो जब आप इसे फर्दर सॉल्व करें सो व्हाट यू गेट इज 0.066 डिवाइडेड बाय 0.528 एंड दैट विल बी 0.125 और 12.5% पर एनम. तो फ्रेंड्स, फॉर्मूला के थ्रू भी FRA रेट इस तरह से कंप्यूट किया जा सकता है. सो टेक नोट ऑफ दिस एंड देन वी मूव अहेड. ऑलराइट फ्रेंड्स, लेट अस मूव अहेड. कमिंग अप नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट नंबर 36, आर्बिट्रेज थ्रू FRA. दोस्तों, FRA कंप्यूट करना आपने सीख लिया है. अब FRA के थ्रू जो आर्बिट्रेज होता है, अ फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट. दोस्तों, आप जो FRA कंप्यूट करना सीखे हैं अभी अभी, जो FRA आप कंप्यूट करते हैं, लॉजिकली ये FRA होना चाहिए. अब बैंक ने एक्चुअल में वो FRA कोट किया है या नहीं किया है, ये आपको अब चेक करना है. अब तक आपने जितने आर्बिट्रेजेस सीखे, हर बार आपने क्या किया है, एक फेयर कैलकुलेशन किया है, कोई फेयर रेट फाइंड किया है और फिर उसे कंपेयर किया है किसी एक्चुअल कोटेड रेट से. वैसे ही जो FRA रेट हम डिटरमाइन करते हैं, ये है फेयर FRA रेट, और जो FRA रेट बैंक ने कोट किया है, ये है एक्चुअल FRA रेट. एक्चुअल FRA रेट इफ इट डिफर्स फ्रॉम फेयर FRA रेट, ऑब्वियसली देर विल बी एन आर्बिट्रेज ऑपरचुनिटी. तो हम क्या करेंगे, किसी एक क्वेश्चन में पहले हम देख लेंगे कि भाई आर्बिट्रेज ऑपरचुनिटी है या नहीं है, फिर आर्बिट्रेज स्ट्रैटेजी उस सिनेरियो में कैसे बनाई जाएगी, मैं आपको वहीं पर वो बात समझाऊंगा. तो चलिए एक क्वेश्चन के थ्रू इस पूरे मैटर को समझें, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 100. तो फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आप क्वेश्चन नंबर 100 पढ़ेंगे एंड इसे मार्क भी कर लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट. लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. द फॉलोइंग मार्केट डेटा इज अवेलेबल. स्पॉट USD JPY दिया हुआ है 116. डिपॉजिट रेट पर एनम दिए हुए हैं USD में एंड JPY दोनों में, 3 मंथ एंड 6 मंथ. FRA रेट, दैट इज फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट का जो रेट है फॉर येन इज गिवन एज निल. इसका मतलब यह हुआ कि जापानीज येन में आपको फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट नहीं मिल रहा है. उसके बाद पूछा गया है व्हाट शुड बी 3 मंथ FRA रेट एट 3 मंथ फॉरवर्ड. ऑब्वियसली येन के बेसिस पर यह क्वेश्चन ड्राफ्ट नहीं किया गया है, यह US डॉलर के बेस पर क्वेश्चन ड्राफ्ट किया गया है. तो 3 मंथ FRA रेट एट 3 मंथ फॉरवर्ड, यह तो आपने सीखा हुआ है. और आगे बोला गया है द 6 and 12 month LIBORs आर 5% एंड 6.5% रिस्पेक्टिवली. अ बैंक इज कोटिंग 6/12 USD FRA एट 6.5 to 6.75%. इज एनी आर्बिट्रेज ऑपरचुनिटी अवेलेबल, कैलक्यूलेट प्रॉफिट इन सच केस. फ्रेंड, सबसे पहले तो जितने भी इंटरेस्ट रेट दिए हुए हैं, ऑब्वियसली दीज आर पर एनम रेट्स. इफ दीज आर पर एनम रेट्स, यू शुड बी फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमाइनिंग FRA रेट फॉर 3 मंथ फॉरवर्ड, एंड सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन विल रिक्वायर यू टू कैलक्यूलेट 6/12 FRA रेट. तो हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो आपको आता है बहुत अच्छी तरह से आप वो अप्लाई करके पहले सॉल्व कर लीजिए. मैं फिर से आपको क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट पढ़कर सुनाऊंगा और इसका अप्रोच बिल्ड करेंगे हम. तो चलिए पहले क्वेश्चन का जो सिंपल पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, उसे सॉल्व कर लें. डिटरमाइनिंग 3 मंथ FRA फॉर 3 मंथ फॉरवर्ड. तो हम यहां ये कह रहे हैं इफ डॉलर 1 लाख डिपॉजिटेड नाउ एट 4.5% पर एनम फॉर 3 मंथ्स, द रिजल्टिंग मेच्योरिटी वैल्यू विल बी $1,01,125. ये कैसे आया, यहां नीचे वर्किंग दिया हुआ है एंड दैट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. इफ डॉलर 1 लाख डिपॉजिटेड नाउ एट 5% पर एनम फॉर 6 मंथ्स, द रिजल्टिंग मेच्योरिटी वैल्यू विल बी $1,02,500. इसकी भी वर्किंग यहां पर दी हुई है. सो फ्रेंड्स,
ये कैलकुलेशन का बेस आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है, आपको ये कैलकुलेशन इस तरह से ना करके फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच फॉलो करना है, तो हमने पास्ट तीन क्वेश्चन से वो फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच भी सीखा हुआ है, आप वैसा भी कर सकते हैं। एनीवे, राइट डाउन दिस बिफोर वी गो अहेड। ऑलराइट फ्रेंड्स, ये आपने लिख लिया होगा, लेट अस मूव अहेड। It is implied that after 3 months from now, if $1,01,125 is deposited for 3 months, the resulting maturity value must be $1,02,500. The interest rate that should prevail after 3 months for a period of 3 months, that is 3/6 FRA, will be 1,02,500 minus 1,01,125 divided by 1,01,125. Into 100 into 12 by 3 and that will be 5.44% per annum. तो friends, आप इसे भी note कर लीजिए, यहां मुझे कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं, you have learnt it already. Alright दोस्तों, ये आपने लिख लिया होगा। अब जैसा मैंने कहा था, हम question का second part एक बार फिर से पढ़कर समझें कि क्या exactly पूछा गया है। तो चलिए मैं स्क्रीन पर आपको फिर से क्वेश्चन का सेकंड पार्ट डिस्प्ले कर दूं। ये आपके सामने फिर से आ गया क्वेश्चन, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके सामने है, सेकंड पार्ट पर ध्यान देंगे। यहां बोला गया है द 6 and 12 months LIBOR आर 5% and 6.5% रेस्पेक्टिवली। अब आपको 6 month and 12 month के LIBOR रेट्स दिए हुए हैं, ये रेट पर एनम रेट है एप्लीकेबल फॉर 6 month and 12 month. ऑब्वियसली थ्रू दीज टू इंटरेस्ट रेट्स वी कैन डिटरमाइन द एफ आर ए रेट। अ बैंक इज कोटिंग 6/12 एफ आर ए। अब यह बैंक का कोट किया हुआ एफ आर ए ऑब्वियसली दो अलग अलग रेट दिए हुए हैं, दैट मीन्स आप डिपॉजिट करने जाए तो 6.5% एंड आप बोरो करने जाए तो 6.75%। और पूछा गया है इज एनी आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी अवेलेबल कैलकुलेट प्रॉफिट इन सच केस। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ एफआरए रेट है, दिस इज द एक्चुअल रेट कोटेड बाय बैंक। लाइबोर रेट्स फॉर 6 month and 12 month जो दिए हुए, इन रेट्स के थ्रू जो हम एफआरए डिटरमाइन करेंगे, दैट विल बी फेयर एफआरए रेट, आइडेंटिफाइंग वेदर एन आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट और नॉट। क्या कोई आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी है तो हम यहां पर क्या अप्रोच फॉलो करेंगे। वी विल सिंपली कंसिडर द एफ आर ए रेट कोटेड बाय बैंक, इट इज इन अ रेंज। आपको डिपॉजिट एंड बोरोइंग के रेट्स दिए हुए हैं। नाउ ये जो एफ आर ए रेट बैंक ने कोट किया हुआ है, आपके पास इस रेट से कंपेयर करने वाला जो रेट फाइंड किया जाएगा, दैट इज द फेयर एफआरए रेट जो आपने लाइबोर के थ्रू फाइंड किया होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले वो एफआरए रेट फाइंड कर लें और फिर उसे एक्चुअल रेट से कंपेयर करेंगे। इफ द रेट वी कंप्यूट एज अ फेयर एफआरए रेट, इफ इट फॉल्स विद इन द रेंज ऑफ द एफ आर ए रेट कोटेड बाय बैंक, बैंक का जो कोट किया हुआ एफ आर ए रेट है एक्चुअल में वो एक रेंज के फॉर्म में दिया हुआ है, हमारा कंप्यूट किया हुआ एफ आर ए इस रेंज के अंदर आता है, देन देर इज नो आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी अवेलेबल। हमारा कंप्यूट किया हुआ एफ आर ए रेट इस रेंज के बाहर चला जाए, वेदर टू द लोअर साइड और टू द हायर साइड, वी विल हैव एन आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी। So, सिर्फ एक सिनेरियो, जब हमारा कंप्यूट किया हुआ एफआरए 6.5 और 6.75% के बीच में आता हो, वी विल नॉट हैव एन आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी, बट अदरवाइज इफ दैट रेट गोज बियॉन्ड द रेंज, वी विल डेफिनेटली हैव आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी। फ्रेंड्स, हम पहले एक काम करते हैं, हम आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी है या नहीं वो डिटरमाइन कर लेते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि आर्बिट्रेज स्ट्रैटेजी यहां पर कैसे फॉर्मुलेट की जाएगी। तो चलिए हम सॉल्यूशन में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सॉल्यूशन में सबसे पहले हम एफआरए रेट डिटरमाइन करेंगे, 6 month एफआरए रेट फॉर 6 month फॉरवर्ड, और जो हम डिटरमाइन कर रहे हैं दैट विल बी फेयर एफआरए रेट, ये हमने लिख दिया हुआ है, और ये हम डिटरमाइन करेंगे थ्रू लाइबोर्स। तो जैसा हमने 3/6 एफआरए कंप्यूट किया था क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में,
उसी स्टाइल में हम 6/12 FRA कंप्यूट करने जा रहे हैं यूजिंग द LIBOR रेट्स गिवन. सो इफ डॉलर 1 lakh डिपॉजिटेड नाउ एट 5% पर annum फॉर 6 months, द रिजल्टिंग मेच्योरिटी वैल्यू विल बी $1,02,500. If $1 lakh deposited now at the rate of 6.5% per annum for 12 months, the resulting maturity value will be $1,06,500. There will be simply 1 lakh plus 6.5% interest. So friends, ये सब आपको आता है, मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है. आप जल्दी से ये नोट कर लीजिए and then we proceed ahead. Alright friends, let us move ahead. It is implied that after 6 months from now, if $1,02,500 is deposited for 6 months, yani 6 mahine baad aap $1,02,500 deposit kar rahe hain for 6 months, the resulting maturity value must be $1,06,500. The interest rate that should prevail after 6 months will be same wahi baat, P1 minus P0 divided by P0 into 100 into 12/6. अप्लाई करते हुए आप जो रेट फाइंड कर रहे हैं, दिस रेट विल बी फेयर FRA रेट. ये आता है 7.8% पर annum. आप इसे भी नोट कर लीजिए एंड देन आई एक्सप्लेन यू द मैटर अहेड. ऑलराइट फ्रेंड्स, ये आपने लिख लिया होगा. अब ये रेट मिल जाने के बाद का काम बड़ा आसान है. आप लिखेंगे आगे, as the FRA rate goes out of the range of actual FRA quoted by bank, an arbitrage opportunity definitely exists. ये मैंने आपको समझाया हुआ है. अब एक सिंपल बात ये कि जो FRA rate हमने compute किया वो 7.8% आया, bank का quote किया हुआ range इससे कम है. So obviously हम low rate पर क्या करेंगे, borrow करेंगे और higher rate पर invest करेंगे. So the arbitrage strategy will be to borrow at bank FRA, that is 6.75%. दोस्तों ध्यान देंगे, हमने यहां पर 6.5% नहीं, जो borrowing वाला rate होगा 6.75% उसे apply कर रखा है, and invest the same at fair FRA, that is 7.8%. ये जो हमने determine किया, जो हमने derive किया through LIBOR rates. Friends, अब ये पूरा arbitrage strategy वर्केबल कैसे किया जाएगा मैं आपको समझाऊंगा, बट पहले आप इतनी बातें लिख लीजिए. तो दोस्तों, इस आर्बिट्रेज स्ट्रेटजी को वर्केबल कैसे बनाया जाएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप बड़े ध्यान से मेरी इस बात को समझिए. हमारे पास अब दो रेट्स हैं, फेयर FRA जो आया 7.8% और एक्चुअल FRA जिसका रेंज दिया हुआ था 6.5 to 6.75, यानी 6.5% इज एप्लीकेबल फॉर डिपॉजिट एंड 6.75 इज एप्लीकेबल फॉर बोरोइंग. ये जो बैंक का कोट किया हुआ एक्चुअल FRA है. बिकॉज हमारा कंप्यूट किया हुआ FRA इस रेंज से ज्यादा आया, तो हम क्या करेंगे, हमारे फेयर FRA में इन्वेस्ट करेंगे, हमारे फेयर FRA रेट के हिसाब से हम इन्वेस्ट करेंगे, और जो बैंक वाला कोटेड रेट है हम उस रेट से बोरो कर लेंगे. जब बैंक वाले कोटेड रेट से आप बोरो करने की बात कर रहे हैं, तो इसमें 6.5% वाला जो डिपॉजिट रेट है उसे इग्नोर कीजिए. वी विल बी फोकसिंग ओनली ऑन 6.75%. तो फाइन, हमारी आर्बिट्रेज स्ट्रेटेजी बन गई बोरो एट 6.75% एंड इन्वेस्ट एट 7.8%. बट दोस्तों, ये जो 7.8% है, ये कोई कोटेड FRA कहीं नहीं जिस पर जाकर आप इन्वेस्ट करें. ये तो LIBOR रेट्स के थ्रू आपने डिराइव किया है. इसका मतलब ये हुआ, ये रेट आपको चाहिए तो आपके पास हाथ में वो जो मेच्योरिटी वैल्यू हमने कंप्यूट किया था $1,06,500, वो आना चाहिए. वो 1,06,500 का मैच्योरिटी वैल्यू तो तभी आएगा जब आज आप $1,00,000 डिपॉजिट करें फॉर 1 full year, और आज डिपॉजिट करने के लिए हमें बोरो करना पड़ेगा कहीं से. तो हम क्या करेंगे, आज 6 month वाला जो LIBOR रेट है, जो 5% दिया हुआ है, हम उस रेट पर बोरो कर लेते हैं, और जो 12 month वाला LIBOR रेट है हम उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं. यानी हम आज $1,00,000 बोरो करेंगे
और उसी $1 lakh को इन्वेस्ट भी कर देंगे, बोरो करेंगे फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months और इन्वेस्ट करेंगे फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year. तो जो बोरो किया हुआ अमाउंट है इसका मैच्योरिटी वैल्यू आएगा $1,02,500 आफ्टर 6 months, और जो इन्वेस्ट किया हुआ अमाउंट है $1 lakh उसका मैच्योरिटी वैल्यू 1 साल बाद आएगा $1,06,500. तो हमारी आर्बिट्रेज स्ट्रैटेजी को सपोर्ट कैसे दिया जाए? हम जो आज $1 lakh बोरो कर रहे हैं लाइबोर रेट से फॉर 6 months, उस प्रोसीड को हम इन्वेस्ट कर दे रहे हैं एट लाइबोर रेट फॉर 12 months. जैसे ही टाइम स्पेंड होगा 6 महीने बाद आपका बोरो किया हुआ जो लाइबोर लोन है उसका ड्यू डेट आ जाएगा और आपको $1,02,500 पे करना होगा. ये $1,02,500 पे करने के लिए आपके पास कैश नहीं रहेगा. बट आप चिंता ना करें क्योंकि आप क्या करने वाले हैं यहां पर 6/12 FRA रेट से आप बैंक के पास से बोरो करेंगे. यानी आज आप बैंक के साथ अग्रीमेंट कर ले रहे हैं कि आफ्टर 6 months यू विल बोरो फ्रॉम बैंक एट FRA रेट ऑफ 6.75%. अब ये जो अमाउंट होगा बोरोइंग का, अब उसे $1 lakh नहीं रखेंगे, उसे रखेंगे $1,02,500 ताकि वहां से मिला हुआ जो बोरोइंग का प्रोसीड्स है वो हम ले जाकर हमारे लाइबोर लोन जो 6 months के बाद ड्यू होने वाला है विथ इंटरेस्ट उसे पे ऑफ कर देंगे. दोस्तों 6 महीने बाद की पोजीशन को आप समझिए. आपने 6 months वाला लाइबोर लोन रीपे कर दिया, अब आपके पास बैंक का FRA लोन बचा हुआ है और आपके पास लाइबोर वाला 1 year का डिपॉजिट बचा हुआ है. इन दोनों का मैच्योरिटी वैल्यू एंड ऑफ द ईयर आएगा. तो हमारे लाइबोर डिपॉजिट की जो मैच्योरिटी वैल्यू होगी उसको यूटिलाइज करके हम बैंक का FRA लोन पे ऑफ करके खत्म कर देंगे. दिस विल बी योर एंटायर आर्बिट्रेज प्रोसेस जो मैंने अभी समराइज्ड फॉर्म में आपको समझाया. मैं अभी स्क्रीन पर आपको सारा डिटेल्ड प्रोसेस समझा दूं और लिखवा भी दूं, आप स्क्रीन पर ध्यान दीजिए. तो हम बात कर रहे हैं आर्बिट्रेज प्रोसेस की. पहला स्टेप, बोरो $1 lakh एट 5% पर annum फॉर 6 months. Resulting obligation after 6 months will be $1,02,500. ये calculations कैसे हुए हैं ये आपको बहुत अच्छे से मालूम है. Step 2, invest $1 lakh at 6.5% per annum for 12 months. Resulting maturity value after 12 months will be $1,06,500. And step 3, enter into 6/12 FRA contract with bank to borrow at 6.75% per annum for 6 months. After 6 months from now, sum of $1,02,500. Friends, ye three steps jo abhi humne perform kiye, these are performed at the beginning of the year. Ye three steps aap likhiye, phir aage kya karna hai main aapko samjhata hu. ऑलराइट फ्रेंड्स, लेट अस मूव अहेड. ये तीनों स्टेप्स आपने प्लान करके परफॉर्म कर दिए हैं एट द बिगिनिंग. 6 महीने बाद क्या किया जाएगा? जो आपका बैंक के साथ FRA कॉन्ट्रैक्ट है, अकॉर्डिंग टू दैट, उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए आप $1,02,500 बोरो कर लेंगे और उस प्रोसीड का यूटिलाइजेशन करेंगे लाइबोर लोन के रीपेमेंट के लिए, वो वाला लाइबोर लोन जो 6 months के बाद मैच्योर होता है. सो आगे का प्रोसेस कुछ ऐसे आएगा. आफ्टर 6 months एग्जीक्यूट द बैंक FRA बाय एक्सेप्टिंग FRA लोन ऑफ $1,02,500 एंड यूटिलाइज द प्रोसीड्स ऑफ FRA लोन टू रीपे 6 month लाइबोर लोन. ये दोनों स्टेप्स परफॉर्म किए जाएंगे एट एंड ऑफ 6 months और इसके आगे का प्रोसेस भी मैंने आपको समझा रखा है. वो आगे का प्रोसेस हम लिखें, उससे पहले आप इतनी बातें नोट कर लीजिए. ऑलराइट फ्रेंड्स, लेट अस मूव अहेड. आफ्टर 6 months, ये जो मैंने सेकेंड टाइम आफ्टर 6 months लिखा ये एंड ऑफ द ईयर हो गया क्योंकि हमने दो बार आफ्टर 6 months लिखा हुआ है. सो दिस इज एट द एंड ऑफ द ईयर बेसिकली.
Step 6, obtain the maturity value of LIBOR deposit, that is 1,06,500, and repay bank FRA loan with interest. So, sabse pehle interest ka amount aayega 1,02,500 into 6.75% into 6/12. Ye add karne principal mein, to ye aata hai $1,05,959. और हमारे पास जो इनफ्लो आया मैच्योरिटी वैल्यू का दैट वाज $1,06,500 सो आर्बिट्रेज गेन विल बी इनफ्लो माइनस आउटफ्लो दैट विल बी $541 सो प्लीज टेक नोट ऑफ दिस होल थिंग एंड दैट विल बी एंड ऑफ द सॉल्यूशन ऑलराइट फ्रेंड्स लेट अस मूव अहेड चलिए आगे बढ़ते हैं एंड लेट अस डिस्कस कॉन्सेप्ट नंबर 37 स्पेक्यूलेशन थ्रू FRA दोस्तों FRA रेट फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट का रेट कैसे फाइंड किया जाता है ये आपने सीख लिया FRA कॉन्ट्रैक्ट में आर्बिट्रेज कैसे किया जाता है ये भी आपने सीख लिया अब जो हम सीखने जा रहे हैं वो दो चीजें एक साथ स्पेक्यूलेशन और हेजिंग थ्रू FRA तो दोनों ही केस में बात कॉमन रहेगी FRA कॉन्ट्रैक्ट इफ वी आर एंटरिंग एज अ डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट FRA कॉन्ट्रैक्ट से जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट इनिशिएट होता है उसका जो भी डिफरेंशियल अमाउंट है वो सेटल कर दिया जाता है वन पार्टी विल पे टू दी अदर पार्टी जिस पार्टी ने लॉस किया है वो पार्टी काउंटर पार्टी को जिसने गेन किया हुआ है उसे पे कर देगी सो ये कंप्यूटेशन कैसे होता है मैं आपको बहुत डिटेल में अच्छी तरह से एक एग्जांपल के थ्रू अभी समझाऊंगा बट फ्रेंड्स आप इतना समझिए कि व्हेन इट इज स्पेक्यूलेशन और हेजिंग थ्रू FRA यहां पर एक्चुअल बोरोइंग होना जरूरी नहीं यानी एक्चुअल बोरोइंग या डिपॉजिट होना जरूरी नहीं है यहां पर सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशियल से भी डील किया जा सकता है सो देयर मे बी टू पॉसिबल सिनेरियोस सपोज आपने ऑलरेडी बोरो कर रखा है या बोरो करने का प्लान बनाया हुआ है एंड यू एंटर इनटू एन FRA कॉन्ट्रैक्ट सो देयर यू मे फैक्चुअली हेज योर इंटरेस्ट रेट रिस्क थ्रू FRA कॉन्ट्रैक्ट एंड इफ यू हैव सिंपली टेकन एन FRA कॉन्ट्रैक्ट एज अ डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट इट विल बी नॉट अ हेजिंग इंस्ट्रूमेंट इट विल बी अ स्पेक्यूलेटिव कॉन्ट्रैक्ट बट ईदर केस आप कैलकुलेशंस एक तरह ही करेंगे एक जैसे ही करेंगे तो चलिए फ्रेंड्स मैं स्क्रीन पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूं उसे आप मेरे साथ साथ नोट करते जाना समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों यहां जो कुछ भी मैं डिस्प्ले कर रहा हूं मैं आपको टाइम दूंगा आप साथ साथ लिखते जाना समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट यू एक्सपेक्ट दैट इंटरेस्ट रेट विल राइज अप इन 3 months एंड वॉन्ट टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस राइजिंग इंटरेस्ट रेट फॉर दिस पर्पज यू शुड बाय FRA कॉन्ट्रैक्ट दैट विल बी इफेक्टिव आफ्टर 3 months फ्रॉम नाउ बाइंग FRA वुड इंप्लाई दैट यू अग्री टू बोरो एट द FRA रेट दोस्तों ये आपने लिख लिया होगा आप लिखना कंटिन्यू रखिए आप पहले लिखने का काम कर लीजिए एंड देन आई विल एक्सप्लेन द होल मैटर आगे लिखेंगे अज्यूम दैट यू विश टू बोरो रुपीज 1 lakh आफ्टर 3 months फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months FRA कॉन्ट्रैक्ट विल अलाउ यू टू बोरो एट कॉन्ट्रैक्टेड FRA रेट इररेस्पेक्टिव ऑफ इंटरेस्ट रेट प्रिवेलिंग आफ्टर 3 months 6 month FRA रेट एट 3 month फॉरवर्ड जिसको हम इनडायरेक्टली 3/9 FRA कह सकते हैं इट इज कोटेड बाय बैंक एट 12% पर annum अज्यूम दैट आफ्टर 3 months द इंटरेस्ट रेट प्रिवेलिंग इन द मार्केट इज 13.2% पर annum डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ गेन मेड बाय बाइंग दिस FRA ऑलराइट फ्रेंड्स ये सब कुछ लिख लेने के बाद चलिए पूरी बात को अब समझ लें यहां पर जो दिख रहा है कि भाई आप एक पार्टी हैं आपको लगता है कि देयर इज चांस दैट इंटरेस्ट रेट विल राइज इन फ्यूचर एंड सिंपली आपको इस बढ़ते हुए इंटरेस्ट रेट का फायदा उठाना है यू वॉन्ट टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस राइजिंग इंटरेस्ट रेट
दिस इज डेफिनेटली पॉसिबल. FRA कॉन्ट्रैक्ट आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि आप स्पेक्यूलेटिव FRA करते हुए आप एक गेन कर लें. सो व्हाट यू शुड डू, यू शुड बाय एन FRA. तो दोस्तों क्या होता है, जब प्राइस बढ़ने वाला हो किसी स्टॉक का, ऐसा एक्सपेक्टेशन हो आपका, तो आप शेयर्स क्या करते हैं, यू ट्राई टू बाय द शेयर, बाय एंड होल्ड द शेयर इफ यू आर having bullish sentiment about the share in the stock market. Exactly same way in interest rate, if you are expecting interest rate to rise up, you will always tend to buy an FRA. So, ab buying an FRA ka matlab kya hua? Buying an FRA means entering into an FRA contract to borrow. Dhyan dena. Buying an FRA means entering into FRA, forward rate agreement to borrow. वैसे ही inversely, selling an FRA would mean entering into FRA, entering into a forward rate agreement to invest. That means, जब आपको दिख रहा है कि interest rate बढ़ने वाला है, और अभी आप contract कर ले रहे हैं at a lower rate, you will be borrowing at the contracted rate, और आगे चलकर interest rate बढ़ने वाला है, obviously you are going to be at an advantageous position. तो दोस्तों यहां पर scenario जो आपके सामने यहां ये example दिख रहा है, इस example पर ध्यान दीजिए. At present bank ने FRA rate quote किया हुआ है 12% per annum. आपको लगता है कि 3 महीने बाद मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो 13.2% हो जाएगा, तो हम बैंक के साथ अग्रीमेंट करके हम 12% पर बोरो कर लेना चाहते हैं. बाद में आफ्टर 3 मंथ्स ये इंटरेस्ट रेट बढ़ भी गया, सो वी विल नॉट बी हैविंग एनी प्रॉब्लम, वी विल बी एबल टू बोरो एट 12% पर एनम. बट बॉस हमें यहां पर बोरो करना ही नहीं है, हमें यहां पर स्पेक्यूलेटिव गेन अर्न करना है. ये कैसे किया जाएगा, अब बात को समझना शुरू कीजिए. सो वी विल ऑलवेज हैव अ नोशनल अमाउंट, जो हमारे इस एग्जाम्पल में ₹1 लाख दिया हुआ है. FRA कॉन्ट्रैक्ट है 3/9 FRA, मतलब अभी से 3 महीने बाद वो इफेक्टिव होगा और अभी से 9 महीने बाद वो क्लोज हो जाएगा. दैट मींस जो ड्यूरेशन के लिए FRA एक्टिव रहेगा दैट विल बी 6 मंथ्स, यानी जो बोरोइंग का टेन्योर है वो है 6 मंथ्स. तो फ्रेंड्स एकदम सिंपल लॉजिक लगाइए, मुझे अभी लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट आगे चलकर बढ़ने वाले हैं, मैं एक बैंक के पास अप्रोच कर रहा हूं, बैंक से रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई मैं आपसे बोरो करना चाहता हूं, नॉट नाउ आफ्टर 3 मंथ्स, क्या इंटरेस्ट रेट आप ऑफर करेंगे. बैंक ने ऑफर किया 12% एज FRA रेट. ये रेट एप्लीकेबल है फॉर अ बोरोइंग ऑफ 6 मंथ्स, बट वो बोरोइंग मैं रेज करूंगा, वो बोरोइंग मैं लूंगा ओनली आफ्टर 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ. तो फ्रॉम नाउ आफ्टर 3 मंथ्स आई एम रेडी टू टेक द बोरोइंग्स फ्रॉम देयर फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स. ये फैक्ट है. मुझे लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट आगे चलकर बढ़ने वाला है और मुझे लग रहा है ये इंटरेस्ट रेट हो जाएगा 13.2%, एंड देयरफॉर मैंने बैंक के साथ डील डन कर दी, मैंने बैंक के साथ एक FRA कॉन्ट्रैक्ट कर लिया वेयर आई एम एलिजिबल टू बोरो आफ्टर 3 मंथ्स एट 12% पर एनम, नो मैटर व्हाट इंटरेस्ट रेट प्रिवेल्स इन द मार्केट एट दैट टाइम. अब आप 3 महीने बाद हिसाब लगाइए, 1 लाख रुपीज बोरो करना है मुझे, एक्चुअल कॉन्ट्रैक्टेड रेट जो है दैट इज 12% पर एनम, तो 1 लाख इंटू 12% इंटू 6/12 बिकॉज आई एम बोरोइंग ओनली फॉर 6 मंथ्स, दिस 1 लाख इंटू 12% इंटू 6/12 विल गिव यू एग्जैक्टली 6,000 रुपीज ऑफ इंटरेस्ट. इंटरेस्ट जो मुझे लगेगा दैट विल बी ₹6,000. मुझे कितना इंटरेस्ट लग सकता था इफ आई वुड हैव बोरोड एट द प्रिवेलिंग रेट. प्रीवेलिंग रेट पर मैंने बोरो किया होता तो मुझे इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा लगता, क्योंकि प्रीवेलिंग रेट 3 महीने बाद हो जाएगा 13.2%, तब का इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा 1 लाख इंटू
13.2% into 6/12, तब ये जो इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा ये 6600 हो जाएगा। दोस्तों मैंने बैंक के साथ जो पहले से एफआरए कर लिया, अकॉर्डिंग टू दैट 6000 इज माय इंटरेस्ट कॉस्ट, अदरवाइज माय इंटरेस्ट कॉस्ट वुड हैव बीन 6600। तो जहां इंटरेस्ट कॉस्ट 6600 हो सकता था, बिकॉज ऑफ दिस एफआरए अरेंजमेंट दिस इंटरेस्ट कॉस्ट विल बी ओनली 6000। सो फैक्चुअली मैंने 600 रुपीज बचा लिए। अब मैच्योरिटी डेट पर वो 600 का बेनिफिट मुझे मिल रहा है। अब पूरे मैटर को जरा दूसरे ढंग से समझें। मैं बैंक के पास अप्रोच करता हूं और मैं बैंक से कहता हूं कि भाई मुझे एक्चुअल में आपसे बोरो नहीं करना, लेट अस हैव अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। मैं आपके साथ एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट करता हूं, ओटीसी टाइप, ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर मतलब जहां पर डेरिवेटिव मार्केट इन्वॉल्व नहीं है, जहां पर एक्सचेंज इन्वॉल्व नहीं है, ओवर द काउंटर मैं आपके साथ एक अग्रीमेंट करना चाहता हूं। आई एम रेडी टू बोरो, नॉट एक्चुअली, नोशनली एट 12% पर एनम, इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर रेट प्रिवेल्स आफ्टर 3 months, एंड आई वॉन्ट टू बोरो आफ्टर 3 months फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम देन। तो 3/9 एफआरए, 3/9 एफआरए का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। वो अग्रीमेंट जो आज इनिशिएट होगा, बोरोइंग रेज किया जाएगा नोशनली आफ्टर 3 months, और अभी से लेकर 9 months के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह टर्मिनेट हो जाएगा। सो बोरोइंग का जो पीरियड रहेगा, दैट विल बिगिन आफ्टर 3 months फ्रॉम नाउ एंड विल एंड आफ्टर 9 months फ्रॉम नाउ, सो इट विल बी फॉर अ स्पैन ऑफ 6 months। अब बैंक के साथ मेरा बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि बॉस मुझे एक्चुअल में आपसे बोरो नहीं करना, जो भी इंटरेस्ट रेट का डिफरेंशियल होगा आई विल ईदर पे यू और विल रिसीव फ्रॉम यू डिपेंडिंग अपॉन वेदर आई हैव मेड अ गेन और आई हैव इनकर्ड अ लॉस। बैंक ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। बैंक ने जैसे ही मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, नाउ बैंक इज कमिटेड टू प्रोवाइड दैट नोशनल लोन टू मी एट 12% पर एनम, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्चुअल रेट प्रिवेलिंग। मैं बैंक के पास 3 महीने बाद जाता हूं, एंड सपोज उस समय मार्केट में इंटरेस्ट रेट चल रहा है 13.2%, मैं बैंक से कहूंगा कि भाई फ्रॉम नाउ आफ्टर 6 months 600 रुपए का डिफरेंशियल, रुपीज 600 का डिफरेंशियल मुझे मिलना चाहिए। मैं क्यों 6 months के लिए वेट करूं? उस 600 का प्रेजेंट वैल्यू आप मुझे अभी के अभी हैंड ओवर कर दो। ऐसा किया जाता है स्पेक्यूलेटिव एफआरए कॉन्ट्रैक्ट्स में, यानी जैसे ही वो बोरोइंग पीरियड इनिशिएट होने वाला है उसी समय मिलने वाले सरप्लस का प्रेजेंट वैल्यू पे कर दिया जाता है। कौन पे करेगा? जिसने लॉस किया है। किसे पे किया जाएगा? जिसे गेन हुआ है। तो फ्रेंड्स इसी एग्जाम्पल को हम अभी आगे एक्सटेंड करते हुए इसका आंसर ड्राफ्ट करेंगे, इसका सॉल्यूशन ड्राफ्ट करेंगे। पहले एक लॉजिकल कैलकुलेशन समझ लेंगे और फिर फॉर्मूला के थ्रू भी उस कैलकुलेशन को अप्लाई करेंगे, क्योंकि एग्जाम में आप इतना सारा लॉजिकल कंटेंट लिखने नहीं बैठेंगे, आप एग्जाम में सीधे सीधे एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और आंसर लाएंगे। बट वो फॉर्मूला का जो बैकग्राउंड लॉजिक है वो पहले समझ लीजिए। सो आप ध्यान दीजिए स्क्रीन पर, हम इस एग्जाम्पल का सॉल्यूशन लाते हैं। सो एवरीथिंग बिगिंस आफ्टर 3 months, आई वुड वॉन्ट टू बोरो रुपीज 1 lakh एट 12% पर एनम फॉर 6 months, तो जो टोटल अमाउंट आएगा ऑन मेच्योरिटी इट विल बी 1,06,000 रुपीज। आफ्टर 3 months इफ आई हैव टू बोरो 1 lakh एट द प्रीवेलिंग रेट विच इज 13.2% पर एनम फॉर 6 months, मेच्योरिटी पर इसका वैल्यू आ जाता है रुपीज 1,06,600। रिजल्टिंग गेन ऑन टर्मिनेशन आफ्टर 6 months विल बी रुपीज 600। इतनी सी बात को पहले समझ लेते हैं। मैंने बैंक से जो एफआरए कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है, अकॉर्डिंग टू दैट मेरे लिए जो एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट होगा दैट विल बी 12% पर एनम, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट एक्चुअल रेट प्रिवेल्स इन द मार्केट। तो 1 lakh पर जब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करें एट 12% पर एनम फॉर 6 months, मेच्योरिटी वैल्यू आएगा 1,06,000। That means I am eligible to borrow 1 lakh where I have to pay back 1,06,000. ये FRA agreement नहीं होता
तो मैं 1 लाख बोरो करता, मुझे पे करना पड़ता 1,06,600। तो इस एफआरए अग्रीमेंट के थ्रू मैंने रुपीज 600 बचा लिए। अब इस 600 का इनफ्लो मुझे कब मिलेगा? टर्मिनेशन पर, दैट इज आफ्टर 6 मंथ्स। मैं बैंक से कहता हूं कि ये अमाउंट आप मुझे अभी दे दो, अभी दिया जाएगा तो 600 नहीं, इसका प्रेजेंट वैल्यू। सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द गेन विल बी सिंपली 600 डिवाइड बाय द पीवी फैक्टर। अब ये पीवी फैक्टर जो हमने निकाला है, ये कॉन्ट्रैक्टेड रेट से नहीं, प्रीवेलिंग इंटरेस्ट रेट से। प्रीवेलिंग इंटरेस्ट रेट है 13.2%, तो 13.2% इज फॉर 1 ईयर, फॉर 6 मंथ इट विल बी 6.6%, हाफ ऑफ 13.2। सो 6.6% कंसिडर्ड योर पीवी फैक्टर विल बी 1.066, ये पीवी आ जाता है 562.85। अंडर स्पेक्यूलेटिव एफआरए कॉन्ट्रैक्ट दैट विल बी इफेक्टिव आफ्टर 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ, यू विल सिंपली रिसीव रुपीज 562.85 फ्रॉम द काउंटर पार्टी। तो दोस्तों आप इसे लिख लीजिए एंड देन आई विल शो यू द सेम कैलकुलेशन थ्रू फॉर्मूला। चलिए दोस्तों अब इसी कैलकुलेशन को हम फॉर्मूला के थ्रू समझ लें। तो एग्जाम में आपको इतना सारा डिस्क्रिप्शन लिखने की जरूरत नहीं है, आप एग्जाम में सीधे सीधे जो बताया जा रहा है फॉर्मूला आप उसे अप्लाई करेंगे। सेटलमेंट अमाउंट विल बी एन इंटू आर आर माइनस एफ आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 1+RR(T). यहां पर एन जो है वो नोशनल प्रिंसिपल जो हमारे एग्जाम्पल में था रुपीज 1 लाख, आर आर इज द रेफरेंस रेट, यानी कि जब हमारा एफ आर ए कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट हो रहा है उस समय इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, जो हमारे एग्जाम्पल में था 13.2%। एफ आर ए रेट इज द कॉन्ट्रैक्टेड रेट विद द बैंक एंड टी स्टैंड फॉर टाइम इन ईयर्स। तो चलिए इन सभी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें हमारे फॉर्मूला में। यहां पर एन की जगह पर आएगा 1 लाख, रेफरेंस रेट है 13.2%, मतलब 0.132 आएगा। एफआर जो है फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट जो कॉन्ट्रैक्टेड रेट है ये है 12%, यानी 0.12। टाइम इन ईयर्स विल बी 0.5 ईयर और 6/12। 1+RR, अगेन RR इज रेफरेंस रेट इनटू टाइम, इट विल बी 13.2% इनटू 6/12। सो ये कैलकुलेशन आता है 1 लाख इनटू 0.132 माइनस 0.12 इनटू 6/12 डिवाइडेड बाय 1+0.132 इनटू 6/12। जब ये कैलकुलेशंस आप करेंगे फ्रेंड्स, न्यूमरेटर में आपको मिलता है एग्जैक्टली 600 और डिनोमिनेटर में आएगा 1.066। ये कैलकुलेशन हमने लॉजिकली डिराइव कर लिया था पहले और ये आता है ऑब्वियसली 562.85। तो एग्जाम में फ्रेंड्स 5 मार्क 6 मार्क का क्वेश्चन आता है, यू जस्ट हैव टू डू दिस मच, नथिंग एल्स। बट कॉन्सेप्चुअली आपको मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज दिस 562.85। ऑलराइट फ्रेंड्स, लेट अस मूव अहेड एंड टेक अप अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिमिलर कॉन्सेप्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 101। यहां दिया हुआ है मेसर्स पार्कर एंड कंपनी इज कॉन्टेम्पलेटिंग टू बोरो एन अमाउंट ऑफ ₹60 crores फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स इन द कमिंग 6 मंथ्स टाइम फ्रॉम नाउ। यानी बोरो करना है 6 महीने बाद, बट बोरो करना है सिर्फ 3 महीने के लिए। द करेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9% पर एनम, बट इट मे गो अप इन 6 मंथ्स टाइम। The company wants to hedge itself against the likely increase in interest rate. The company's bankers quoted an FRA, that is forward rate agreement, at 9.3% per annum. What will be the effect of FRA and actual rate of interest cost to the company if the actual rate of interest after 6 months happened to be, do alag alag cases diye hue hain, 9.6% per annum and 8.8% per annum. हमें वो सेटलमेंट अमाउंट कैलकुलेट करना है सीधे सीधे फॉर्मूला लगाकर। सो लेट अस डू दैट। दोस्तों सॉल्यूशन में सबसे पहले आप सेटलमेंट अमाउंट का फॉर्मूला लिख देंगे, आप सारे वेरिएबल्स को डिफाइन कर देंगे और क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन के हिसाब से सारे वेरिएबल्स पर करेक्ट
अमाउंट एंड रेट्स का सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। यहां पर जो नोशनल अमाउंट है दैट इज 60 crores, तो ये नोशनल अमाउंट है 60 crores, जो रेफरेंस रेट है 9.6% और जो हमारा कॉन्ट्रैक्टेड रेट है फॉरवर्ड रेट कॉन्ट्रैक्टेड जो है दैट इज 9.3%, तो 9.6% इज एक्सप्रेस्ड एज 0.096 एंड 9.3% इज 0.093। इन दोनों का डिफरेंस आरआर माइनस एफआर मल्टीप्लाइड बाय टाइम इन ईयर्स दैट इज 3/12 डिवाइडेड बाय 1 प्लस रेफरेंस रेट, ये रेफरेंस रेट जो था वही रेफरेंस रेट 0.096 इनटू 3/12। जब ये कैलकुलेशन किया जाएगा तो फाइनल रिजल्ट आ जाता है न्यूमरेटर में 4,50,000 डिवाइडेड बाय 1.024 एंड फाइनली व्हाट यू गेट इज 4,39,453। तो दोस्तों ये जो कुछ भी स्क्रीन पर दिख रहा है ये है फर्स्ट पार्ट का आंसर, जहां पर रेफरेंस रेट यानी प्रीवेलिंग इंटरेस्ट रेट होगा 9.6% पर एनम। क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में सिर्फ आपको ये वाला पार्ट चेंज करना है, यू हैव टू अप्लाई द डिफरेंट रेट और आपके पास जो रिजल्ट आएगा ऑब्वियसली वो लॉस हो जाएगा क्योंकि वो रेट 9.3% से कम था। सो ठीक है, वो भी इसी तरह कंप्यूट किया जाएगा। बिफोर वी गो अहेड एंड डू दैट फर्स्ट टेक नोट ऑफ दिस मच। ऑलराइट फ्रेंड्स, सेकेंड पार्ट में आपको वही कैलकुलेशन अप्लाई करना है, सिर्फ इस बार रेफरेंस रेट बदल गया है, रेफरेंस रेट हो गया है 8.8% पर एनम। ऑब्वियसली दिस रेट बीइंग लोअर देन 9.3% जो हमारा कॉन्ट्रैक्टेड रेट है, वी कुड हैव बेटर बोरोड एट द प्रिवेलिंग रेट, एफआरए के कारण हमें लॉस हो जाएगा। लॉस का जो अमाउंट आता है इस बार दैट विल बी 7,50,000 डिवाइड बाय 1.022 एंड व्हाट यू गेट इज 7,33,855। तो इसे भी नोट कर लीजिए एंड देन वी पुट एन एंड टू द सेशन।